प्यार भी पागल बेटी ने जो किया सुनकर रह जाएंगे दंग, दंग रह जाएंगे कि कैसे किसी क्राइम नॉवेल की तरह बेटी ने माँ को ही मौत के घाट उतरवा दिया। जी सही सुन रहे हैं, बेटी ने ही करवा दी माँ की हत्या। लेकिन जरा रुकिए, इस कहानी का ये लास्ट पार्ट था, पहला हिस्सा तो जान लीजिए। जान लीजिए कि आखिर क्यों और कैसे इस कातिल बेटी ने रची अपनी ही माँ के कत्ल की साजिश। माँ के कांड के बाद बेटी बन गई हत्यारी। पुलिस ने जब इसका खुलासा किया तो मानो हर कोई हिल गया। क्या है कत्ल की ये पूरी दास्तान, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि वारदात की दुनिया की अजीबोगरीब हकीकत कहाँ की है। एटा, जहाँ जसरतपुर कोतवाली क्षेत्र में 6 अक्टूबर को बाजरे के खेत में तड़के सुबह शव मिलने से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो हैरान करने वाली कहानी सामने आई। अलका नाम की मृतका की बेटी ही उसकी खातिल निकली। एटा पुलिस महिला के मर्डर का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताती है कि मृतक महिला की बेटी ने ही सुपारी किलर के संग मिलकर उसकी हत्या की। उसी सुपारी किलर से मां को मरवा दिया जिसे मृतक अलका ने अपनी बेटी के नाम हायर किया था। जी मृतक अलका ने बेटी के नाम 50,000 की सुपारी दी थी और जब इसका खुलासा हुआ तो बेटी का माथा घूम गया। दरअसल अलका अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से खफा थी तो पूरी प्लानिंग के साथ मृतक अलका अपनी बेटी को लेकर पहुंची थी उसकी हत्या करवाने। लेकिन अलका ने जिसे सुपारी दी थी वो दगा दे गया और बेटी को माँ की करतूत बता दी, जिसके बाद बेटी ने उसी सुपारी किलर को दे दी माँ अलका को मारने की सुपारी। मृतका अलका देवी की पुत्री, उनका एक गांव के ही लड़के से प्रेम प्रसंग था पहले, अखिलेश नाम से। अखिलेश से जब इसका प्रेम प्रसंग था तो अखिलेश ने बहला फुसला कर इसको भगा ले गया, मृतका की पुत्री को। इसमें मुकदमा लिखा गया, मुकदमा में ये अखिलेश जेल भी गया था। जेल जाने के बाद लेकिन मृतका अपनी पुत्री के प्रेम प्रसंग से बहुत परेशान थी, बहुत आजिज थी और इसने अपनी पुत्री को ही मारने के उद्देश्य से अपने पूर्व परिचित सुभाष से इसकी 50,000 रुपये में तय हुआ कि हमारी पुत्री को मार दो। सुभाष के इसको पीछे लगाया और सुभाष पहले से इस लड़की को जानता था क्योंकि वो ननिहाल का है लड़की के, और कभी कभी फ़ोन से भी बात करता था सुभाष इस लड़की से। दिनांक 5 तारीख को ये तीनों लोग एटा आए। एटा में रामलीला ग्राउंड में झूला झूला इन्होंने। इसी दौरान सुभाष ने लड़की को बताया कि मुझे तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी माँ ने सुपारी दी है तथा कहा है कि इसको मार दो किसी भी साथ। लड़की ने कहा आप मुझे मत मारिए, मेरी माँ को मार दीजिए, जैसा आप चाहोगे वैसा मैं करूँगी, आप शादी करना चाहोगे तो मैं शादी करूँगी। यही फैक्ट दोनों के बीच में बना और ये अलीगंज त्राई से एटा से लिफ्ट लेके गाड़ी से गए अलीगंज कस्बे से पहले घटना की त्राई पर। ये वहाँ उतर गए उस गाड़ी से और पैदल पैदल एक रास्ते को गए, लिंक रोड था। वहाँ सुनसान जगह देखकर बाजरे के खेत में दोनों ने मिलकर मृतका अलका देवी की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में हत्या करने वाले शख्स और मृतक अलका की बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जो कोई भी जुर्म की ये दास्तान सुन रहा है हैरान हो जा रहा है कि आखिर कैसे खून के रिश्ते, सबसे अनमोल रिश्ते का कत्ल माँ बेटी दोनों ने कर दिया। एटा से देवेश पाल की रिपोर्ट, यूपी तक।